नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्स कॉर्पोरेट लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है उस फॉर्म को किस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अंत तक लेके चलूँगा, आपके फॉर्म को जो है प्रिंट आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। और सबसे पहली बात तो इसको मैं बता रहा हूँ मोबाइल से, ताकि जो है आप लोग कैफे में जाके 50 रुपये आप लोगों के बच सके, आप आसानी से अपने मोबाइल से एंड्रॉयड मोबाइल से जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ आपको कि इसके लिए जो है आपको कोई भी फीस जो है देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, अपना कीमती समय निकाल कर जो है कोई भी इस जो है वीडियो में फॉर्म भरते समय गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेके चलता हूँ। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप अपनी स्क्रीन को फुल कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए मोबाइल से बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से मोबाइल से भर सके, ठीक है। पीसी में जो है ये साइट नहीं चल रही है बिल्कुल भी, इस वजह से जो आप मोबाइल में जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप तो क्या करिए, अपने मोबाइल को जो फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट तौर से दिखाई दे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ आपको दिया हुआ है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है जिस ट्रेड से, ठीक है, चार ही ट्रेड यहाँ पर जो है अवेलेबल है, तो आपको जिस ट्रेड से आप है उस ट्रेड को यहाँ पर चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फीटर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, अप्रेंटिस पोर्टल पंजीकरण संख्या, ठीक है, आपने अप्रेंटिस की जो इस साइड होती है इस पर जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए से चालू होता है उसको जो है आपने देखा होगा, ठीक है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो जब आपने जो है अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, इस नंबर को यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो नाम आपको डालना है किसके अनुसार डालना है, ठीक है, आईटीआई के अनुसार डालना है या दसवीं के अनुसार। तो यहाँ पर आपको दसवीं के अनुसार जो है आपको दसवीं की मार्कशीट में जो भी नाम है उस प्रकार से यहाँ पर नाम डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में तो स्मॉल में डालना है, ठीक है। अंतिम नाम, मध्य नाम, जैसा है वैसा, ठीक है। आप लिंग, यहाँ पर आप पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, ठीक है। धर्म में जो भी आप हैं, जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जाति में तो यहाँ पर आप सामान्य से है, ओबीसी से है, तो मैं यहाँ पर ओबीसी डालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पिताजी का नाम डालना है, ठीक है, दसवीं की मार्कशीट के अनुसार जो है यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, अगर आप विकलांग है तो यस करिए, अन्यथा इसको नो रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जन्मतिथि डालना है आपको, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी जन्मतिथि है, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको जन्मतिथि सिलेक्ट करनी, कोई भी फॉर्म में गलती नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो नोटिस दिया है उसको यहाँ पर आप एक बार पढ़ के जो है देख सकते हैं। अब मकान नंबर डालना है आपको, ठीक है, तो मकान नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्राम आपका डालना है, ठीक है, अपना गांव, और जो है बिल्कुल सही चीज़ जो है यहाँ पर फिल करिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है क्या डालना है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको नगर क्या है, ठीक है, तो आपका नगर जो भी है आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मैं बालाघाट से हूँ तो यहाँ पर बालाघाट डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश से तो मध्य प्रदेश डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है, पिन कोड ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संबंधित ट्रेड तकनीकी अर्हता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आईटीआई तो ऑलरेडी रहेगा, आईटीआई का यहाँ पर रोल नंबर डालना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फिल करके बता देता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आपके आईटीआई की जो है मार्कशीट में रोल नंबर दिया होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मतलब पता डालना है, संस्थान का पता डालना है, तो मैं यहाँ पर अपने आईटीआई का पता डाल देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देना है आपको, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो यहाँ राज्य आपको मध्य प्रदेश से किए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से किए तो आप उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर आईटीआई की जो है कब से आरंभ किया था आपने, तो यहाँ पर आप डाल देना, ठीक है। तो जो है आईटीआई कब से प्रारंभ होती है, अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया होगा तो ठीक है, जुलाई से जो है ये सॉरी अगस्त से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जिस सन में आपने स्टार्ट किया था उससे, ठीक है, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक ये जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जुलाई, ठीक है, 2017, आपने जिस ईयर में जो है ख़त्म किया था उस ईयर को यहाँ पर डालना है।
ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया था, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 डालना है मुझे, तो 17 डालूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अभ्यर्थी द्वारा आईटीआई में कुल प्राप्तांक, ठीक है, टोटल कितने आपने जो है मतलब किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना प्रतिशत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने अंक थे, तो यहाँ पर जो है जितने अंक का था उतना डाल दीजिए, आपने जितना अंक लाया है उतना यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर जो है आपको कितने आपने अंक लाया है वो आपको ये करना है, और यहाँ पर आपके टोटल कितने अंक का था ये फिल करना है। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब ईमेल डालना ज़रूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे जो है आपका नोटिफिकेशन वो जो है आएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देखें बैंक खाता दिया हुआ है, तो बैंक खाता मतलब डालना है आपको, तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनली जो है सभी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर बैंक खाता आपको डालना है, नाम बैंक का कहाँ पर है, ठीक है, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड आपका इम्पोर्टेंट है, आप अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आधार संख्या। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप डालना है। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसी वीडियो पर वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर आपको मेन पॉइंट आता है आपका फोटो। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है फोटो अपलोड करना, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है फाइल में जा सकते हैं, तो यहाँ पर फाइल में मैं चले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है मतलब चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने कहीं पर रखा है तो उसको यहाँ से जो है आसानी से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है चूज़ कर लेता हूँ। देखिए, तो फ़ोटो पूछा है तो यहाँ पर मैं फ़ोटो चूज़ कर लूँगा। ठीक, तो दोस्तों फाइनली मैंने जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है अपलोड कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है, पिताजी के सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नहीं तो यहाँ पर जो है अपनी आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, और वही यहाँ पर जो है आपको टेंथ की मार्कशीट, फिर आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से अपलोड करना है तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। एक यहाँ पर चूज़ फाइल पे आप मतलब क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो है गैलरी में लेके जाएगा, वहाँ से जो है डॉक्यूमेंट चूज़ करके यहाँ पर जो है अपलोड पे फिर बाद में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें कर लिया। अब यहाँ पर जो है घोषणा आप एक बार पढ़ सकते हैं या फिर जो है ये कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्थान डाल देता हूँ। ठीक है, आप जिस स्थान से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइनली एक बार आप लोगों को चेक करना है, ऐसा नहीं कि सबमिट कर देना है, ट्रेड सही डाला है नहीं डाला है। ठीक है, और मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ठीक है, लिंग पुरुष महिला जो भी है, ठीक है, धर्म, ठीक है, जाति डालना है, उसके बाद जो है आपके पिता का नाम, ठीक है, दिव्यांग है तो यस वनत नो, जन्मतिथि डाल देते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जन्मतिथि डाल देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे जो भी एक बार देख लेना है, मकान नंबर, गांव, नगर, जिला, बालाघाट जो भी है, मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है पिन कोड और यहाँ पर सभी चीज़ें जो है डाल दी। ठीक है, आईटीआई का नाम एक बार फिर से डाल देते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मतलब गायब हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डाल देना, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कृपया आवेदन पूर्ण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपने सही जानकारी दी है, यह बाद में परिवर्तित नहीं हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप कैंसिल करके एक बार देख सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत सावधानी से आपको भरना है। तो यहाँ पर मैंने जो है चेक कर लिया है पूरा एक बार, तो मैं सबमिट कर देता हूँ, यस पे जो है क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा पेज आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। देखिए फाइनली दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर फोटो भी आ चुका है, फिटर, ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई, जो जो आपने डाला था। ठीक है, ओबीसी है, ठीक है, दिव्यांग है, नो, तो यहाँ पर जो है सभी चीज़ें यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार फिर से आप यहाँ पर देख लीजिएगा सही है या नहीं है। ठीक है, सभी चीज़ें मैंने यहाँ तक जहाँ तक जो है सभी चीज़ें सही डाला है। ठीक, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है सभी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बालाघाट सिग्नेचर और सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तावेज में आप देख सकते हैं जो जो आपने डाला है वो वहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसको जो है सीधा सा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ।
देखिए ये जो है फाइल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो है फॉर्म जो है फाइनली जो है फिल हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रिंट, तो यहाँ पर मैं प्रिंट इसका ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट बात है आपको ये याद रखना है, यहाँ पर आपको देखिए एक एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, इसको जो है आप प्रिंट में जो है रखेंगे तो आपको तो याद रहेगा, वैसे भी आपको इसको जो है नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव पीडीएफ में जो है सेव कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये जो है मैं सेव कर लिया हूँ इसको। ठीक है, तो ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर में आपको जो है एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आपको नोट करके रखना है, ऊपर जो आपका प्रिंट आप लोगे तो वहाँ पर आपको जो है नंबर मिल जाएगा, तो उसी से आपको जो है बाकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से फॉर्म भरना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से जो है इस पेज में फिर इस वीडियो पर आके जो है आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली जो है फॉर्म हो चुका है, फिर से जो है नया फॉर्म आपको ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक बार देख के जो है फिल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।